दोस्तों नमस्कार, मैं मनजीत सिंह, इंडिया मी टीवी में आपका स्वागत है। 11 वर्ष की लंबी संघर्ष करने के बाद जैसे ही अशोक गहलोत ने शाम को ये घोषणा कर दी कि अनूपगढ़ को जिला घोषित कर दिया, बहुत बड़ी खुशखबरी है पूरे क्षेत्र निवासियों को इस चैनल के माध्यम से। और लोगों की जो पीड़ा थी, लोगों की जो मांग थी कि हमारे को सफर बहुत तय करना पड़ता है गंगानगर के लिए, लेकिन नजदीक जिला लाने के लिए कांग्रेस ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और आज अनूपगढ़ विधानसभा को क्षेत्र को एक जिला बना दिया गया है। क्या आप बड़ी कवरेज देख रहे हो इंडिया मीट टीवी के माध्यम से? हमारे साथ पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक जुड़े, आज सब सीटे बातचीत करवाएंगे, कांग्रेस के और भाजपा के अलग अलग पार्टियों के किसान नेता भी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे, हम सबसे बातचीत करवाएंगे। आप बने रहिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके सबसे पहले, और सबसे स्टीक और सच्ची खबर पाने के लिए इंडिया मीटिंग को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े। भाजपा के दिग्गज नेता मोहनलाल द्विवेदी, रावला जी, उनसे बातचीत करेंगे, क्या उनका कहना है, आज कितनी खुशी है। मोहनलाल जी, आप जी का चैनल में स्वागत है। पहले तो आपको जिला बनाए जाने पर बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत जी आपको भी बधाई। हमारे अनूपगढ़ जिले के लिए संघर्ष समिति और सभी मंडियों ने जो अथक प्रयास जो 12 वर्षों से करते आ रहे हैं, जी जी, उसके परिणाम स्वरूप आज गहलोत सरकार ने घोषणा की है, जी जी जी, जिसमें हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम जी मेघवाल का जी और क्षेत्रीय विधायक ने भी अधिक प्रयास करने का परिणाम स्वरूप ये जिले बनाने की घोषणा आज गहलोत सरकार ने की है जी। सभी जिले के सभी लोगों के सहयोग से और लंबे समय की मांग, उचित स्थान पर जिला घोषित किए जाने पर बहुत बहुत बधाई। हाँ जी, हाँ जी। साथ ही ये कहना चाहूंगा कि सभी पार्टियों ने भी जिले के लिए जो अथक प्रयास किए उसके परिणाम स्वरूप भी अपने को ये जो जिला बना है, इससे जो रावला क्षेत्र 65 क्षेत्र जो गंगानगर से करीब 200 किलोमीटर के करीब था जी जी, उन्हें अब 70 किलोमीटर और 600 किलोमीटर के अंदर दायरे में ही उनको आने जाने की सुविधा मिलेगी जी जी। इससे सरकार को उसके साथ साथ यहाँ क्षेत्र की जनता और किसानों और मजदूरों को भी बड़ा लाभ मिलेगा जी जी। मौला जी, मेरे ये आपको और पूछना चाहूंगा कि इसमें लंबे अरसे से जैसे पूर्व विधायक पवन कुमार जी दुग्गल, इनका भी रोल रहा है, जैसे शिमला बावरी जी विधायक रहे भाजपा की पिछली 5 साल योजना में, उन्होंने भी कैसा रोल निभाया, और आज जो संतोष जी बावरी विधायक हैं अनूपगढ़ विधानसभा के, उन्होंने भी रोल अदा किया। कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों के प्रयास से एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला अनूपगढ़ को। नहीं नहीं, सबके प्रयासों से, और एक उचित स्थान था ना जी जी, जो उचित स्थान था, जैसे अपने क्षेत्र में लंबे समय से मांग थी और आने जाने के आवागमन में तो सभी विधायक जो रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, सभी जो पार्टी के बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता भी रहे हैं, उन्होंने और संघर्ष समिति ने सभी के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही अनूपगढ़ को जिला बनाया गया है, जिसकी घोषणा आज सरकार ने की है, उसके लिए सरकार को भी बधाई और सभी कार्यकर्ताओं को और संघर्ष समिति को बहुत बहुत बधाई। जो अभी 2 दिन पहले यहाँ से मंत्रिमंडल संघर्ष समिति अशोक जी गहलोत जी के, कुलदीप जी इंदौरा जी के नेतृत्व में और संतोष जी बावर जी के नेतृत्व में मिले, उन्होंने एक बार तो ब्रेक लगा दिया, लेकिन तब धड़कन तेज हो गई लोगों की, तो क्या अभी ये जिला बनेगा या चुनाव को निकाल के उसके बाद ये जिला बनेगा, लेकिन एकदम शाम को ये घोषणा हुई, जैसे ही पूरे इलाके में बधाई का, लोगों की लाइनें लग गई और लोग एक दूसरे को पार्टी से ऊपर उठ के इंसानियत नाते बधाई दे रहे हैं। देखो, इंदौरा जी ने भी इस क्षेत्र के लिए अपने जो प्रयास किए हैं, उन्होंने सबको साथ ले जा करके सभी संगठन के लोग जो जनप्रतिनिधि थे वो गहलोत जी से मिले थे, और उस समय एक बार तो ये लग रहा था कि भी ये सिर्फ ये आश्वासन के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन अभी जैसे 19 जिलों की जो घोषणा की है जी जी, उसके साथ ही अपने को अनूपगढ़ लिए जाने से ये वास्तविक के साथ ये जीत है, जो किसानों की, मजदूरों की, व्यापारियों की और क्षेत्र के लोगों की
एक खुशहाली के लिए यहाँ जिला होना बहुत जरूरी था, उसमें सभी का अथक प्रयास रहा, उसके परिणाम स्वरूप ही आज अपने को जिले की सौगात मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद जी मोनाल जी, आपने समय दिया हमारे स्टूडियो में इंडिया टीवी में, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद। आपको बहुत बहुत बधाई।